किसी बंदे ने कल कहा जी आपका बड़ा पाकिस्तान प्रेम आ गया है। पाकिस्तान प्रेम ही आया, इंडिया यहां था, पाकिस्तान यहां था। अब पाकिस्तान ना आ रहा है ऊपर, और पाकिस्तान आपको दिखा रहा है, पाकिस्तान आपको दिखा रहा है कि आने वाला वक्त जो है उनके पास 22 24 25 26 साल के लड़के ना ज्यादा, और आप क्योंकि आपने 35 36 37 वाले इतने खिला लिए थे, अचानक से आपको आपको ट्रांजिशन करना मुश्किल होगा। लेकिन मैं बात कर रहा था, पाकिस्तान की बैटिंग बिल्कुल भी नहीं है, नहीं है ही नहीं उनकी बैटिंग, बड़ो जज्बे जज्बे पे बॉल डाल गए वो। बॉलिंग सर उनकी ऐसी है कि वो उस दिन खिला दिया था, सेमी फाइनल्स भी इमेजिन करें, हाँ। इतने बड़े रन नहीं बनाए इंडिया ने, और वो फ्लैग पिच भी थी, बट मुझे लगता कि बटलर, आई थिंक वी शुड ब्लेम बॉलर्स, हम टेम्पलेट टेम्पलेट की बात करने में रखे, हाँ। बॉलर ने आपने क्या किया, उसे पाकिस्तान वाला भी वो वर्ल्ड कप हुआ था जो आप हार गए थे पिछला, 152 थी, आपको लेनी चाहिए थी। इंग्लैंड, आपको क्या पता, देखो पैनिक किया ना इंग्लैंड ने जब उनकी विकेट गई शुरू हुई मेलबर्न में फाइनल में, आप सर 6 में 3 विकेट निकाल लो 6 ओवर में, जो बॉलर्स की, यस बॉलर्स को ब्लेम करना होगा, 10 विकेटों से वहां आ रहे, 10 विकेटों से यहां आ रहे। मैं आपको बताऊं, आपका ड्रेसिंग रूम पैनिक करता है, आपका ड्रेसिंग रूम चोक हो जाता है, और उस दिन आप पाकिस्तान के खिलाफ जब बॉल डालने शुरू हुए हो, और अभी जो आप बॉल डालने आए हो, आप उस टीम की बॉडी लैंग्वेज उठाएं और इस टीम की उठाएं, आपको डिफीटिस्ट एटीट्यूड जो बैटिंग में पहले हाफ में दिख गया था वो बॉलिंग में फील्डिंग में कंटिन्यू हो रहा है। सो आप अचानक से वो टीम ही नहीं रहते हो, आप वो टीम ही नहीं रहते हो, आप वैसे ही आप ऐसे हो जाते हो। हार्दिक ने वो पारी खेली, उसके बाद आप अगर उससे पंप अप नहीं हो सकते तो फिर और क्या चाहिए। उस दिन मैं मैच में देख रहा था सर, पहले ओवर में पड़ना शुरू हुआ, फिर वो छोड़ दिया सर। मैच में क्या हो रहा था कि प्लेयर रोप के बाहर जा रहे थे, क्या फाइट नहीं देता पाकिस्तान, आप निखिल सर उस दिन सेमीफाइनल में जब पिटने लग गए थे रन, कुछ प्लेयर रोप के बाहर जा रहे हैं, जब तक बॉलर रन अप ले रहा है फिर अंदर आ रहे हैं, वो अप्रोच ही नहीं थी, बॉडी लैंग्वेज से ही साफ पता लग रहा था कि आपने हार मान ली। और इसमें गेंदबाज का भी है, वो उस हिसाब से आ ही नहीं पाते हैं ग्राउंड के अंदर, स्पिनर नहीं आपके पास, आपके पास इतने एक्सपीरियंस बॉलर हैं, और मैच के बाद जब आप आपके कप्तान बोल रहे थे कि हमारे गेंदबाज नर्वस हो गए, भुवनेश्वर बैटिंग में क्या हुआ, सबसे ज्यादा खेल रहे गेंदबाज नर्वस हो रहे हैं, आप उमरान मलिक ले जाते उससे अच्छा तो पाकिस्तान और क्या, ये भाई एक्सपीरियंस है, बिग मैच में ये करेंगे तो आप उमरान मलिक। यार हमने यहाँ पे बैठ के पिछले साल बोला था कि पिछले साल का वर्ल्ड कप इंडिया के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू विन, आप जब वो हार गए थे उसके बाद आपने चलो चेंज भी नहीं किया, यार ये तो सबको जग जाहिर था कि ऑस्ट्रेलिया में आप कहां जीतोगे, ये तो आपकी किस्मत अच्छी है कि आपने पहला मैच पाकिस्तान को हरा दिया, पाकिस्तान वाला जीत, और उसके बाद आप चलो पाकिस्तान भी आ गया आप भी आ गए, आपकी किस्मत अच्छी है, बट जब आप सेमीफाइनल में आ जाते हो तो आप किसी भी दिन किसी को हरा सकते हो। पाकिस्तान से मैंने निखिल से पूछे, मैंने कहा था निखिल पाकिस्तान न्यूजीलैंड से हारेगा और इंग्लैंड इंडिया से हारेगा, इंडिया और न्यूजीलैंड का फाइनल होगा पाकिस्तान। दोस्तों वैसे कल भारतीय क्रिकेट टीम जीती है, कल इंडियन क्रिकेट टीम को जीत मिली है, लेकिन पाकिस्तान की अगर हम रीसेंट फॉर्म देखें स्पेशली बड़ी ओकेजन्स के ऊपर, तो पाकिस्तान ने डिलीवर किया है, शायद बायलैटरल क्रिकेट के अंदर जो है वो इंडियन क्रिकेट टीम ऊपर हो तो रही थी, लेकिन वर्ल्ड कप इज़ व्हाट मैटर्स, फीफा के वर्ल्ड कप को देखते हैं लोग कि जीता कौन था वर्ल्ड कप, फाइनल्स में कौन पहुँचा था, सेमीज में कौन पहुँचा था, और वो पिछले दो साल में किसका अच्छा है, शायद भाई भी पूछ रहे हैं पाकिस्तान का अच्छा है, तो अब देखते हैं आप पूरा रिएक्शन देखें, फिर आपसे बात करेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग के बारे में भी विक्रांत गुप्ता ने बात की थी, आप में से मोस्टली लोगों को उसके बारे में मालूम भी होगा, वो वीडियो भी मैंने आप लोगों को दिखाई थी, तो कंप्लीट रिएक्शन आप लोग देखें और फिर आपसे बात करते हैं। बीट द हेल आउट ऑफ न्यूजीलैंड, चढ़ के बॉल डाल दिया, और आप जो है वो वहां पे जाके गौची गांव गए, पर ये रिटेटिव ना, ये सर एक मैच नहीं हुआ पूरा वर्ल्ड कप बदल जाता है, उसे बात कर रहा था ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड इंग्लैंड ने बड़ी ही मतलब टुच्ची क्रिकेट खेली अपने स्टैंडर्ड्स, वो पिछली बार फाइनल जीत गए, फाइनल भी अच्छा डाला, फाइनल में ना सैम करन क्रिकेट की गेम सेंस वाली बात थी, मिड विकेट बाउंड्री मेलबर्न में इतनी बड़ी है, और मैं निखिल जब देख रहे थे 15-15 कदम अंदर था मिड विकेट की बाउंड्री, 15 कदम अंदर खड़े होते थे और वो छोटा बॉल करते रहे और पाकिस्तानी मारते रहे ऊपर, अब चल भी कैच, वो एक मिड विकेट एरिया में चल तू भी कैच, लिविंगस्टन वहां सर खड़े थे और तीन टैप करके दुक्का लो, यार टैप मारो दुक्का लो, टैप मारो दुक्का लो, ऊपर ही मारते रहे भाई लोग, तीन कैच सर लिविंगस्टन ने पकड़े थे वहां पे, से बॉल डाला ना वो छोटी बॉल और वही, लेकिन सर खोल के सर मिड विकेट, मिड विकेट, अब कप्तानी अगर देख लो आप, उनकी कप्तानी भी कितनी बेहतरीन थी इंडिया वाले मैच में भी, तो पूरा कंप्लीट होमवर्क था, और
जो मॉर्गन के बाद इस टीम के अंदर में जो बदलाव आया अब जी। तो दोस्तों कंप्लीट रिएक्शन आप लोगों ने देखा है विक्रांत गुप्ता और इंडियन मीडिया का, पाकिस्तान और इंडियन क्रिकेट को थोड़ा सा कंपेयर भी किया है उन्होंने और ओवरऑल बातचीत किया है पाकिस्तान और भारतीय क्रिकेट के ऊपर। आप लोग मुझे ये बताइए कि अब आपको क्या लग रहा है कि अगला जो वर्ल्ड कप होगा मतलब 2023 का इंडिया के अंदर जो है पाकिस्तान उसमें कहाँ तक पहुँच पाएगी और क्या पाकिस्तान इंडिया को इंडिया के अंदर हरा सकती है और पहली बार ओडीआई वर्ल्ड कप में हरा सकती है या फिर नहीं, बताइए।